योगी के काम कुछ सही है कुछ गलत है। गलत क्या है? गलत ये हो रहा है कुछ भी ना हो रहे, किसान की सुनाई नहीं हो रही, धरने चले जगह जगह। ये सब अपने जो है वोट लेकर अपने घर बना रहे हैं और घोटाले कर रहे हैं। कोई भी सुविधा नहीं है, खर्चा वर्चा जो गांव में से अपना मांग के लाते गुजारा कर रहे हैं। क्या सरकार को पता नहीं महात्मा जंगल में पड़ा, इसके लिए कुछ करे। सड़क बनवा दिए, सड़क पे घूमो, बच्चे की नौकरी नहीं कुछ नहीं। कांग्रेस के वहां में ये गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, अब 1200 रुपए का आ रहा है। लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक है और लोकसभा चुनाव की आहट तो आप सभी सुन रहे होंगे कि किस तरीके से जो पार्टियां हैं वो लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं आम लोगों को अपनी तरफ खींचने में। जी हाँ, हम लोग इस वक्त हैं दुजाना में, जहां पर कुछ गांव वाले मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार ये लोग चाहते हैं और इनके गाँव में आखिर समस्याएँ क्या आ रही हैं और क्या मुद्दे हैं इनके पास कि किस आधार पर ये लोग वोट करेंगे अब की बार, किसकी सरकार ये बनवाना चाहते हैं, इनके पास क्या मुद्दे हैं, गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, आज इन पर हम लोग बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम लोग बातचीत करते हैं सीधा। आप मुझे पहले ये बताइए कि क्या करते हैं आप? किसान आदमी है। अच्छा। किसानों की क्या समस्या है? हम लोग दुजाना में अभी। अच्छा, किसानों की सारी समस्या ये 8% को प्लॉट कुछ नहीं दिया और काफी समस्या, गांव का विकास कुछ नहीं हुआ, तो यही समस्या और क्या हो। लिखित रूप में ही गांव की समस्या जितनी तो वह नहीं हुई पूरी अभी। और क्या समस्या है आप? और यही समस्या, गांव का विकास होना चाहिए, गांव की जब 8% के प्लॉट मिलने चाहिए, यही समस्या। क्या लग रहा है आपकी बार सरकार किसकी बने? सरकार तो जिसकी बंसी आग ही बनेगी हो, तो अब तो दिख रहा है बीजेपी की लहर है। बीजेपी की लहर है। काम तो लेकिन कुछ किया नहीं, गांव में विकास नहीं हुआ, फिर भी आप चाहते हैं बीजेपी है? अब देखो जी, तो लहर है, बताएगा बाद में क्या हो रहा क्या नहीं कैसे। हाँ अब तो हाँ। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी के में तो यहाँ तो सीट नहीं निकलेगी, कुछ भी नहीं निकलेगी। काम कैसा है उनका यहाँ? तो कांग्रेस आती नहीं, तो बसपा सपा और बीजेपी चली रही है। तो मायावती बन सकती है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो ना बने पर मुख्यमंत्री बन सकती है। योगी जी का काम अच्छा नहीं है? योगी के काम कुछ सही है कुछ गलत है। गलत क्या है? गलत ये हो रहा है कुछ भी ना हो रहे, किसान की सुनाई नहीं हो रही, धरने चले जगह 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 धरने चल रहे हैं, किसानों की मांग नहीं हो रही पूरी, कुछ नहीं। यही है जी। चलिए, यूथ भी है हमारे साथ। अच्छा बाबा, क्या समस्या है आपको? हाँ, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमें आज यहाँ 22 साल हो गए, हमारे यहाँ कोई तरक्की नहीं हुई, सरकार की कोई सुनवाई नहीं है कि महाराज जंगल में पड़ा, इसको कुछ यहाँ करे, हमें रहने के लिए जगह भी नहीं है और समर लगना चाहिए, समर नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, खर्चा वर्चा जो गांव में से अपना मांग के लाते गुजारा कर रहे हैं। क्या सरकार को पता नहीं महात्मा जंगल में पड़ा, इसके लिए कुछ करे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं सरकार को। सब आप अपनी ढांग रहे खींच रहे, जब इलेक्शन आते जब तन का हमारी वोट दो और जीतने के बाद में कुछ नहीं है। 12 बीघे LMC है जो आज की तारीख में 8 बीघे भी नहीं है मौके पर। क्या गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान नहीं देगी? यही एक धर्म बचा है, इसमें भी कोई करने को तैयार नहीं है, तो यही समस्या है। योगी जी भी ध्यान नहीं देते आप। हाँ, सरकार कोई भी आए, एक तो गांव का विकास होना चाहिए और जो है मंदिरों की रेख देख होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई रेख देख नहीं है। ये सब अपने जो है वोट लेकर अपने घर बना रहे हैं और घोटाले कर रहे हैं, इसके अलावा इनके कुछ नहीं है। और घोटाला भी करो तो जनता के लिए तो कुछ करो, लेकिन जनता के लिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा, परेशान है। अब ये गाय भैंस चुकाते हैं, गुजारा कर रहे बेचारा अपना, और शाम को जाते हैं घर अपने, लेट जाए ना कोई पता नहीं कहाँ पड़े, और सुबह 6 बजे से नहीं है जंगल में। अब सरकार चाहे तो इनको सादा भैंस नहीं चुकानी पड़ेगी, एक तो इनकी जो मांग है 8% की वो पूरी होनी चाहिए, एक गाँव का विकास होना चाहिए, और यहाँ जो 12 बीघे LMC है इसकी 4 बंदी हो गए, मंदिर बनना चाहिए,
बस ये हमारी समस्या है। योगी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहा कोई भी ध्यान इस बात में, कोई नहीं दे रहा जी। आपको क्या लगता है कि आप अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं, मोदी जी की, कांग्रेस की, या फिर कोई और आए? अब की बार नया चेहरा देख रहे हैं क्योंकि काम तो हुआ नहीं आपके हिसाब से। काम नहीं हुआ, नया चेहरा तो आएगा, सरकार हो सकता गिर जाए क्योंकि काम नहीं कर रही सरकार। हाँ, काम करना चाहिए। ये सरकार कोई काम ऐसा नहीं कर रही जिसमें जनता खुश रहे। ये तो अपनी अपनी ढांग रहे और कुछ नहीं है। इन्हें मायावती फिर प्रधानमंत्री पद पर हो सकती हैं? मायावती का जो है मुख्यमंत्री के चांस है मायावती के, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री तो शायद मुश्किल है, लेकिन मुख्यमंत्री के चांस है मायावती के। क्यों के मायावती नोएडा बना गई, मायावती ने बहुत विकास करा, नोएडा बनाया मायावती ने, जो कि आज ये नोएडा मायावती के नाम का ही है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा कोई उस पर। ध्यान दे तो हो सकता मायावती प्रधानमंत्री भी बन सकती है। हाँ, मोदी जी बन सकते हैं प्रधानमंत्री अब तीसरी बार? अब की बार चांस नहीं दिख रहे इनके, नहीं। उसकी जगह पे कौन है? राहुल गांधी आ सकते हैं, अखिलेश यादव हैं, कौन है फिर? अखिलेश भी नहीं आएगा, राहुल गांधी आ सकता है। राहुल गांधी आ सकता है, चांस है राहुल के। राहुल गांधी जीत सकते हैं? जीत सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है कांग्रेस, इसने 60 साल राज करा, लेकिन ये धोखाधड़ी नहीं हुई जैसी अब हो रही है। हाँ, काम करा कांग्रेस ने, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और सब शहीद हो गए ऐसे बेचारे, कांग्रेस ने काम भी करा और शहीद भी हो गए। हाँ, लेकिन अब काम नहीं हो पा रहा। सड़क बनवा दिए, सड़क पे घूमो, बच्चे की नौकरी नहीं, कुछ नहीं, खाने को दे दिया, अन्न दे दिया, चावल दे दिए, बाजरा बोट रहा, यो काम इसके अलावा इसने ना सरकार ने कुछ भी करे। आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं सरकार के काम को लेकर? पिछले पांच साल में क्या काम हुआ है? काम तो कुछ भी नहीं हुआ, सब बेरोजगार डोल रहे हैं बच्चे, और यही है बस, और क्या है। सड़क बनवा दी, घूमते रहो, और सरकार जो बच्चे जो बेरोजगार डोल रहे, नौकरी कहीं नहीं, कोई बच्चे सब नहीं डोल रहे, गाँव के आदमी सब वैसे ही है, ना रास्ते है ना कुछ है, सब नहीं हो रहा है। गाँव के आदमी मतलब सरकार के काम से खुश नहीं है? गाँव के आदमी सरकार काम से खुश नहीं है, मोदी सरकार के काम से। मोदी सरकार काम से। तो क्या चाहते हैं आपकी बार प्रधानमंत्री कौन बने? राहुल गांधी। ऐसा आपको राहुल गांधी से क्या उम्मीद है कि आपके लिए क्या काम करे अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो? ये कांग्रेस की सरकार ही 70 साल इन्होंने राज करा, सब बढ़िया, महंगाई नहीं रुक रही है। जो कांग्रेस के वहां में ये गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, अब 1200 रुपए का आ रहा है, 1100 का 1200 का ये सिलेंडर दे रहे हैं। ये एक वो 5 किलो आटा वा दे के अनाज है, और बाकी की उसी में क्या हो रहा है, ये हो रहा है जी। मोदी सरकार तो कहती है कि किसानों के खाते में 2000 रुपए आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं 2000 रुपए? 2000 रुपए में क्या होएगा? 2000 रुपए में क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? थोड़ी भीख दी है किसान के लिए, ये 2000 में हो रहा कुछ? इतनी महंगाई में कुछ नहीं होता। क्या बोल रहे थे आप? 2000 रुपए में क्या होता है? 2000 रुपए में एक सिलेंडर नहीं भरा जाता है, फिर 6 महीना डोले जाऊंगी। अच्छा, हाँ। साल में सिर्फ 2 किस्त आती हैं, 2000 रुपए की, 4000 रुपए, 6000 रुपए कह के 2000 रुपए आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं वो मोदी? ये तो सब भीख देने वाली, वो वैसी पब्लिक के बहकाने वाली बात हो रही है। किसान परेशान है मतलब राज्य में, पड़ेगा उन्हें। हाँ जी, तो अब की बार प्रधानमंत्री पद पर आप राहुल गांधी को देखते हैं? चलिए, राहुल गांधी नहीं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, किसी और को देखते हैं? ये तो नहीं आएंगे, वो राष्ट्रीय पार्टी कहाँ है, वो तो अपने वो की है क्षेत्र की। इनसे बात करते हैं। अरे बात करते हैं थोड़ी सी, उठो। क्या लग रहा है आपको, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी वैसे तो ठीक कर रहे हैं, पर वैसे नहीं है कि जनता की वोट को वैसे ध्यान नहीं है कुछ भी। हाँ, वैसे सही है जो काम कर रहे हैं, बाईपास निकाले हैं, पर जनता की तरफ को ध्यान नहीं, गांव वालों की तरफ ध्यान नहीं। क्या चाहते हैं? योगी जी भी बहुत बढ़िया आदमी है, पर हाँ, और कुछ नहीं कर। हाँ, बस हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है सर। हाँ, धर्म के नाम, बाकी कुछ नहीं।
क्या चाहता है फिर अब के बार प्रधानमंत्री कौन बने, क्या देख रहे हैं आप? देखो ख्याल तो हमारा मोदी जी की तरफ कोई है, पर अब क्या करें जब मजबूर हैं तो राहुल गांधी ही को ही देखें। राहुल गांधी मतलब मौका देना चाहते हैं राहुल गांधी? हाँ जी ठीक है। पांच साल में मोदी जी ने आपके लिए कोई काम नहीं किया? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गाँव जो को 8% प्लॉट है वह भी नहीं मिले हमको, और यहाँ गाँव के ऊपर लठोर बजवा दिया। अच्छा कैसे क्या हुआ था? लठ ऐसा बजाओ जी पूरे गांव की देही तुड़वा के फेंक दी जनता की। अच्छा पुलिस को किस लिए हुआ था? और ये इसी जमीन के ऊपर मारी गई कि जबरदस्ती खड़ी फसल में ही आपके सामने फोटो भी दिखा दिए जाएंगे। हाँ। सब कुछ दिखा दिए जाएंगे और जनता पे इतना लठ बजा कि बिल्कुल पड़े पड़े नीचे नीचे सब पिटते रहे और ऊपर ट्रैक्टर चलते रहे, ट्रैक्टर चलते रहे हमारे ऊपर, पर हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं सुना। हाँ अन्ना उसी क्या बोल रहे हैं? अन्नदाता होते हुए किसान पिटरे खेत में फसल नहीं नष्ट हो रही तो बता इससे क्या जुलम होगा? जीती बता तो भी बता दे, आपसे पूछूंगी अब मैं, हटो इसे फेंको। क्या सोचते हैं आप? जो किसानन की मांग है 8% की स्कूल की। हाँ। और जो सुधार है ये 7 दिन के वे कुछ नहीं करा। और क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार बने? योगी जी ने अच्छा काम नहीं करा, मोदी जी ने अच्छा काम नहीं करा, अब आपको किससे उम्मीद है? मायावती आजाद वाक से और मायावती ने नवीड बनाया है। अच्छा। मायावती की वो कैसे भी है तो याद एरिया की जो सुधार कुछ हो जाए काम करे। हाँ क्या बोल रहे हैं? माया ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कहा, पूरी यूपी में करे उसने माया ने। जो लखनऊ में माया जो काम करेगी किसी मुख्यमंत्री आज तक नहीं करे कुछ भी। लेकिन अब तो गायब है वो। गायब है? हाँ। देखो अब कैसा हाथी किंगे को हुआ, हाथी सबका साथी है। हाँ। किंगे को पलटा लगे कोई पता नहीं। क्या बोल रहे थे आप? किसके बारे में? मायावती तो मायावती है, पर वैसे योगी जी भी एक बहुत बड़ी आदमी है। अच्छा। उन्होंने ये समझे गुंडागर्दी तो खत्म कर दी। मतलब गांव में सुरक्षा है? हाँ गांव। बहन बेटी के साथ कुछ दिक्कत परेशानी? हाँ कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तो उन्होंने योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। हमारी तरफ से। देखिए हम लोग दुजाना में इस वक्त थे जहाँ पर हमारे साथ कुछ गांव के लोग थे जो कि किसान हैं। आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं ये उन्होंने बताने की कोशिश की है और ये लोग परेशान हैं। ये लोग चाहते हैं कि अब की बार बदलाव हो क्योंकि मोदी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है और योगी जी ने भी ऐसा कोई खास काम नहीं करा है। इनका मन जो है, इनका दिल जो है वो अब कोई नया चेहरा देखने का है। चाहते हैं या तो राहुल गांधी आ जाएं या तो मायावती आ जाएं जिससे विकास हो, गांव वालों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये सब इनकी मांग है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दुजाना। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।